Hey guys, this is Mohit Bis from Fit India and this video is a workout video and इसमें I'm going to show you my back and bicep workout and this is the third workout video of this Get Lean series and चलो time waste नहीं करते, let's go and let's kill this workout. So guys, as usual, I started my workout with lower back stretches जो कि मैं हर video में आपको दिखा ही रहा हूँ and अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो गाइज़ मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई वॉन्ट यू गाइज़ टू फॉलो इट टू. अपने वर्कआउट से पहले ये स्ट्रेचेस करें एंड स्पेशली बैक वर्कआउट से पहले तो यू शुड डेफिनेटली डू दिस ताकि आपको इंजरी होने के चांसेस एकदम मिनिमाइज हो जाए. एंड आफ्टर डूइंग दिस आई डिड माई नॉर्मल वार्म अप एंड स्ट्रेचेस जो कि मैं हर वर्कआउट से पहले करता ही हूँ और मैंने आपको हर वीडियो में दिखाया भी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना शोल्डर वार्म अप करें बिकॉज बैक ट्रेनिंग में यू आर गोइंग टू यूज़ योर शोल्डर्स, सो यू हैव टू कम्प्लीटली लाइक प्रॉपरली वार्म अप योर शोल्डर्स ताकि आपको इंजरी ना हो एंड द इलास्टिसिटी ऑफ योर मसल्स इम्प्रूव्स. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बाइसेप्स को भी वार्म अप कर लें बिकॉज बैक ट्रेनिंग में यू आर गोइंग टू यूज़ योर बाइसेप्स एंड ऑल्सो बैक, इट इज़ अ बैक एंड बाइसेप्स वर्कआउट, तो इसके बाद हमें बाइसेप्स भी ट्रेन करने थे. सो दैट्स इट, I started my exercise after this. So the first exercise I did was one arm dumbbell row and these are the rep ranges I did. I did one warm up set and four working set. So this is my warm up set and you can see meri position. I'm going all the way down and coming up aur niche jaate waqt I'm stretching my back. Main pura stretch kar raha hu back mein, upar haath laate waqt I'm like squeezing. I'm squeezing at the top and just a half second pause at top is what you need to do. आप देख सकते हैं मैं ऊपर हल्के आधे एक सेकेंड का पॉज ले रहा हूँ to completely squeeze my back. And this is what you have to do and this is the correct form. And मैंने बहुत लोगों को देखा है जब वो नीचे आते हैं पूरा नीचे नहीं आते हैं but you have to come all the way down. आपको back को पूरा stretch कर रहे हैं नीचे लाते वक्त and ऊपर ला के आधे एक सेकेंड का स्क्वीज एंड ट्रस्ट मी इट विल गिव यू द पम्प ऑफ योर लाइफ इफ यू डू इट लाइक दिस. यू विल गेट अ ग्रेट पम्प एंड दिस इज द फॉर्म दैट यू नीड टू फॉलो. एंड फोर वर्किंग सेट्स एंड रेप रेंजेस भी मैं आपको बता ही चुका हूँ. सो दिस वॉज माई सेकेंड लास्ट सेट विथ 35 किलोज एंड इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी. एंड इसके बाद आई डिड माई फाइनल सेट विद 40 किलोज़. दिस इज़ माई फाइनल सेट एंड 40 से ऊपर मेरे जिम में डंबल नहीं है सो दैट्स वाई आई डिड माई लास्ट सेट विद 40. मैं इसे ज़्यादा भी कर सकता था एंड यू कैन सी सम वेन्स ऑन माई नेक एंड दैट्स इट. दिस वॉज माई एक्सरसाइज नंबर वन. बिफोर स्टार्टिंग माई सेकेंड एक्सरसाइज मुझे बेल्ट में वेट लगाना था एंड आपको भी अगर अपनी बॉडी से ज़्यादा वेट यूज़ करना है तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. बेल्ट थोड़ी लूज बांध के उसमें वेट फंसा दो. एंड माई सेकेंड एक्सरसाइज वॉज हैमर ग्रिप पुलअप्स एंड आई डिड 4 sets 6 repetitions ईच. एंड मैं ये एक्सरसाइज बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी इट्स अ ग्रेट ग्रेट एक्सरसाइज इफ़ यू वॉन्ट टू डेवलप योर बैक. मैंने भी ये अभी रिसेंटली रियलाइज किया है दैट दिस एक्सरसाइज इज अमेजिंग एंड मैंने जोश जोश में वेट तो एक्स्ट्रा लगा लिया था बट मैं भी 6-7 repetitions से ज़्यादा नहीं कर पा रहा था. इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि मैं इतने टाइम बात भी कर रहा था, मैंने एक्स्ट्रा वेट भी लगा लिया था बट 6-7 repetitions में भी आई फेल्ट अ गुड पम्प इन माई बैक एंड दिस एक्सरसाइज इज ग्रेट टू डेवलप योर लोअर लैट्स एंड योर मिडल बैक. एंड दिस वॉज माई फाइनल सेट एंड दैट्स इट. आई मीन दिस वॉज माई सेकेंड एक्सरसाइज एंड आफ्टर दिस आई डिड माई थर्ड एक्सरसाइज. I did lat push down next and इसके भी I did 4 sets 14, 12, 10 and 8 repetitions. And आप लोग ये exercise ज़रूर कर चुके होंगे but आपने rope या फिर छोटी वाली जो rod होती है वो use करी होगी and मैं भी वही use करता था but मैंने जो experience किया कि rope और छोटी वाली rod में I was feeling a lot of tension on my triceps. I was feeling कि मैं अपनी triceps बहुत use कर रहा था. So if you use this बार जो मैंने लैट पुल डाउन से निकाल के चुराया है अगर आप ये यूज़ करेंगे देन यू कैन फील द एंटायर वेट एंटायर टेंशन ऑन योर बैक ऑन योर लैट्स बेसिकली
एंड वेरी मिनिमाइज टेंशन ऑन योर ट्राइसेप्स. सो इस बार से करो एंड यू विल फील अ ग्रेट पंप ऑन योर लैट्स एंड आई कुड फील अ लिटिल पंप ऑन माय मिडिल बैक एज वेल. माय एक्सरसाइज नंबर 4 वाज लो केबल रो एंड इसके भी आई डिड 4 सेट्स इन टोटल. एंड यू कैन सी मैं रोप को अपने एब्डोमिनल एरिया की तरफ लेके आ रहा हूँ एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट लाइक दिस वे ओनली. एंड रोप मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं पूरा स्क्वीज कर पाऊँ रोप को, पूरा पीछे तक लेके आ सकूँ. एंड ये मेरे फ्रेंड देखो मुझसे पंगे लेते हुए. एंड अब देखो कि बेंच 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है एंड मैं थोड़ा ऊपर की तरफ होके बैठा हुआ हूँ बिकॉज आप थोड़ा नीचे होके बैठोगे तो आपकी चेस्ट उससे बेंच से कॉन्टैक्ट में रहेगी तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, इनहेल एक्सहेल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर होके बैठा हूँ. एंड यू कैन फॉलो द सेम प्रोसीजर. एंड भाई ये देखो ये बंदा चाहता ही नहीं था मैं आज एक्सरसाइज करूँ, बहुत पंगे ले रहा था मुझसे, बट स्टिल एक्सरसाइज तो करनी थी, मैं भी मजबूर था, पंगे ले नहीं सकता था मैं उससे, मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा था. एंड गाइज व्हेन यू आर ब्रिंगिंग द रोप अप यू कैन सी दैट मैं थोड़ा एक आधे सेकंड का पॉज ले रहा हूँ एंड यू हैव टू डू इट एग्जैक्टली द सेम वे. एंड दिस इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज टू टारगेट योर लोअर लैट्स एंड योर मिडल लोअर मिडल बैक एंड आई लव दिस एक्सरसाइज. Oh yes, I've started deadlifting again and I did one warm-up set and 4 working sets. And ye mera warm-up set hai with empty bar and I did 16 repetitions around. And this is my first working set with 10 kilos on each side. And you know, kaafi log deadlift galat form ke saath karte hain and ye bilkul correct form hai and aap isse seekh sakte hain, to seekho zarur. एंड यू नो मैं कैसे सोचता हूँ, जब मैंने डेडलिफ्ट करना स्टार्ट किया था मैं देखता था कि जब तक मैं नीज तक आऊँगा ना, जब मैं बार ऊपर से नीचे लाऊंगा नीज तक, मैं सिर्फ बैक मोड़ूंगा अपनी एंड लेग्स नहीं फोल्ड करूँगा. एंड जब मैं नीज के नीचे, मतलब सेकेंड हाफ होगा मेरा नीचे आने का, मतलब नीज के नीचे जब मैं बार को लेके जाऊँगा तब आई विल स्टार्ट फोल्डिंग माई लेग्स. तो मैंने ऐसे सीख सीख के अपना एक बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन बनाया एंड आई नो आई एम डूइंग करेक्ट फॉर्म नाउ. सो आप लोग भी ऐसे सीख सकते हैं. एंड दिस इज़ माई थर्ड सेट विद 30 किलोज ऑन ईच साइड एंड द फॉर्म आई थिंक इज़ ऑन पॉइंट एंड आई नो द वेट इज़ नॉट टू मच बट माई इंजरी इज स्टिल देयर सो आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क. सो दिस वॉज माई फाइनल सेट विद 40 किलोज ऑन ईच साइड एंड स्टिल द फॉर्म इज़ गुड. I am very satisfied with my form, but not with the weight. But क्या करें, अब injury पे भी risk नहीं ले सकते. So that's it. This was my final exercise for my back workout, and it was time to hit some biceps. And my first exercise for bicep was inclined dumbbell bicep curls. इसके भी I did 4 sets. And this was my first set with 5 kilos. And मैं हमेशा पहला set light weight ही use करता हूँ because भाई ये बंदा फिर आ गया यार, क्या क्या problem क्या इस बंदे की. हाँ मैं कह रहा था कि I always use light weight for my first set because I want to like improve the elasticity of my muscle, get some blood flow. And उसके बाद I increase my weight. So this is my second set with 7.5 kilos. And यू नो मैं इसमें हैवी वेट इसलिए यूज़ नहीं करता बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई फॉर्म रैदर देन द वेट्स. और भाई ये बंदा फिर आ गया भाई, अच्छा हुआ इसने 2 किलो का डंबल रखा है, कोई ज़्यादा भारी डंबल होता तो भाई दिक्कत पड़ जाती, चैनल यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ जाता मुझे. एंड दिस वॉज माई थर्ड सेट विद 10 किलोज. एंड मैं इस एक्सरसाइज में ज़्यादा वेट भी कर सकता था, आई कुड हैव डन 12-15, बट मैं अपनी फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था बिकॉज I get a great, great pump if I am doing this exercise with a proper form. And I don't like to do cheat reps in this exercise. And this was my final set with 12.5 kg dumbbell. And आप देख सकते हैं जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मैं हाथ पूरा नीचे तक ला रहा हूँ, हाथ मतलब पूरा खोल रहा हूँ so that I can get a good stretch and then उसके बाद ऊपर लाके I am like contracting my muscles to you know get, like completely take advantage of this inclined position. So that was it. It was my exercise number 1.
My second exercise for biceps was barbell hammer curls, and for this also I did 4 sets. And अगर आपके जिम में ये वाला बार अवेलेबल नहीं है, then you can use dumbbells. Otherwise, I love doing it with this bar. And अगर आप मेरी फॉर्म देखोगे ध्यान से, तो you can see that मैं जब ऊपर आ रहा हूँ, then I'm coming up slow. But लेकिन जब नीचे भी जा रहा हूँ, देन मैं स्लोली नीचे जा रहा हूँ. मैंने बहुत लोगों को देखा है जब वो बार से बाइसेप्स करते हैं, वो ऊपर तो आ जाते हैं लेकिन नीचे बहुत तेज़ी से आते हैं. देर नेगेटिव मूवमेंट इज़ वेरी फास्ट, विच इज़ रॉन्ग. मतलब रॉन्ग नहीं, लेकिन यू आर नॉट कम्प्लीटली टेकिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. सो आप नीचे भी आओ तो आप वेट को कंट्रोल करो, बार हो या डम्बल हो, उसे कंट्रोल करके नीचे लाओ. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. एंड दिस वॉज माई फाइनल सेट. एंड या दैट्स इट. I did 4 sets in total. And form dhyan se dimag mein rakhna, control the weight, don't get controlled by it. And with this, this is the end of my second exercise. So my third exercise for biceps was reverse barbell curls, and for this too I did 4 sets. And is exercise mein aap meri form dekhoge to main mere jo arms hain wo body ke close hain. वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि आपको अपने आर्म्स बॉडी से क्लोज रखने हैं. एंड आई एम डूइंग नॉर्मल कर्ल्स देन, वो तो आपको पता ही होगा, बट आर्म्स को बॉडी से क्लोज रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ उस पॉइंट पे. एंड इट वाज माय टर्न टू टेक रिवेंज. इस बंदे ने भाई मुझे बहुत परेशान किया, तो अब मेरी बारी थी. अब बोल भाई, अब बोल. एंड दिस इज माय विनिंग स्माइल. एंड देखो, मैं इस पॉइंट पे फोकस कर ही रहा हूँ कि अपने आर्म्स अपनी बॉडी से क्लोज रखने हैं, बिकॉज जैसे जैसे आप वेट बढ़ाओगे ना, मैं भी हर सेट में वेट बढ़ा रहा था, तो जैसे जैसे आप वेट बढ़ाओगे, देन आपका ना आपको नीड फील होगी कि हम थोड़े से आर्म्स अपने बाहर कर लें ताकि आपके लिए वेट उठाना आसान हो जाए. तो आपको ऐसा फील होगा, मुझे भी हो रहा था. बट यू हैव टू रियली फोकस कि अपने आर्म्स बॉडी से क्लोज रखो. एंड This exercise is very important to develop your brachialis, which is the outward portion of your biceps, and also to develop your forearms. जो forearms का ऊपर वाला portion होता है, which is called brachioradialis, and उसको develop करने में भी this exercise helps a lot. So you should definitely include this exercise in your bicep routine. And this was my final set. Still, I know, देखो मेरे arms थोड़े से बाहर निकल रहे हैं, but you know, it was my final set. तो हल्का सा cheat rep is okay, but still I was able to feel it on my biceps, so it was all good. The next exercise I did was wrist curls, and for this I did 3 sets till failure. मैं इसमें अपने repetitions नहीं गिन रहा था, बस doing as much as I could. And इसमें बताने लायक कुछ खास है नहीं, बस go all the way down and come all the way up, slow and controlled movements. एंड आप नॉर्मली भी अपने रूटीन में ये करते ही होगे, आई गेस. एंड भाई क्या बंदा है ये. एंड दिस एक्सरसाइज टारगेट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ए फोरआर्म, जिसका मतलब फ्रंट पोर्शन ऑफ ए फोरआर्म्स, एज यू वुड नो. एंड भाई अब ये बंदा गया, अब गया ये. एंड इट वॉज टाइम फॉर सम रिवेंज. भाई इस बंदे ने बहुत परेशान किया मेरे को, अब मेरी बारी थी इसकी वाट लगाने की, और मैंने लगा दी. ये देखो मेरा एक्शन देखो भाई, एकदम लल्लन टाप. नाउ आई डिड रिवर्स रिस्ट कर्ल्स, एंड इसके भी आई डिड 3 सेट्स टिल फेलियर. एंड दिस एक्सरसाइज टारगेट्स योर एंटीरियर पोर्शन ऑफ योर फोरआर्म्स, व्हिच इज द रियर एंड ऑफ योर फोरआर्म. एंड दिस एक्सरसाइज आल्सो टारगेट्स योर ब्रैंकियोरेडियालिस, जिसका मेंशन मैं इस वीडियो में अभी सेकंड टाइम कर रहा हूँ. और ये जो बल्ज देख रहे हैं मेरे फोरआर्म में जो आ रहा है, that is brachioradialis, that's a muscle group, and this exercise targets that. So that's it. With this I ended my biceps workout. So guys, that's it from this video. I hope you guys liked it, and please वैसे ही follow करना workout को जैसे मैंने बताया है, जैसे मैंने किया है, आपने जैसे video में देखा है. And just an update for you guys कि मैंने deadlift करना वापस start कर दिया है. यार hello, गरम करके ला भाई. हाँ हाँ, वो गरम हो जाती है भाई, गरम करवा के ला. अबे प्लेट, पेपर प्लेट लेकर आई हो ना. बाय, सॉरी गाइस. सो अपडेट ये है कि मैंने अब डेडलिफ्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है. मेरे को साल हो गए डेडलिफ्ट करे हुए, अब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया है ताकि मैं अपनी लोअर बैक को वापस थोड़ा डेवलप कर पाऊँ. एंड ज़्यादा हैवी नहीं, लिटिल
वेट मॉडरेट वेट यूज़ कर रहा था मैं, आप देख सकते हैं जो जोश में फिर से चूतियाबंदी नहीं करने की, हैवी वेट मार दिया, इंजर कर दिया अपने आप को, नहीं. एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट मोर वर्कआउट वीडियोज़, मैं 3 वर्कआउट वीडियोज़ दिखा चुका हूँ इस सीरीज़ में, गेट लीन सीरीज़ में. आपको और वर्कआउट वीडियोज़ चाहिए तो गो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ mohit_best. एंड उसमें मैं अपने वर्कआउट वीडियोज़ दिखाऊंगा एंड फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोज़ दिखाऊंगा. सो प्लीज़ गो फॉलो. And that's it. I hope you guys like this video. If you did, then subscribe करो यार. बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे कैसे पता लगेगा आपको वीडियो पसंद आई? तो सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स पहुँचना है. एंड बाय, और कुछ है नहीं बोलने के लिए यार, बाय.